आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अब एक टीम चार प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, यानी टीमों के पास दो चॉइसेस रहेगी, या तो तीन इंडियन प्लेयर को या फिर एक विदेशी प्लेयर को रिटेन कर ले, या फिर दो इंडियन प्लेयर को और दो विदेशी प्लेयर को रिटेन कर ले। कुल मिलाकर इन दो चॉइसेस से अब टीमें यहाँ पर चार चार प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन कर पाएगी। और अब यहाँ पर ये चॉइसेस आ जाने के बाद अब सभी टीमों ने अपनी तरफ से चार चार रिटेन प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट अनाउंस कर दी है, जहां पर कुछ टीमों ने तो चार प्लेयर्स को रिटेन किया है, जबकि कुछ प्लेयर ने केवल तीन प्लेयर को और कुछ टीमों ने तो केवल दो प्लेयर्स को अब रिटेन किया है। मैं इस वीडियो में आपको सभी ऑटो टीमों की आपको कंफर्म रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन सी टीमों ने आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आईपीएल के सेकंड लेग में मैंने एमपीएल पर फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने लाखों रुपए जीते थे, तो अब वर्ल्ड कप के दौरान मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप भी वर्ल्ड कप में एमपीएल पर फैंटेसी टीम बनाकर आप भी मेरी तरह लाखों रुपए जीत ले। अब हम बात करते हैं आखिर कौन सी टीम ने कितने विदेशी प्लेयर को और कितने इंडियन प्लेयर को रिटेन किया, और कौन कौन सी टीमों ने आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को अब रिटेन किया। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग की, तो एमएस धोनी की सीएसके की टीम ने कंफर्म कर दिया कि ये टीम दो इंडियन प्लेयर को और दो विदेशी प्लेयर को रिटेन करेगी, जहां पर इंडियन प्लेयर में कप्तान एमएस धोनी को और ऋतुराज गायकवाड़ को ये टीम यहां पर रिटेन करेगी, जबकि ओवरसीज प्लेयर्स में अब फेफ डू प्लेसिस को इसके साथ ही सैम करन को ये टीम रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर इस टीम ने तो कंफर्म कर दिया कि इन चार प्लेयर्स को अब ये टीम रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो इस टीम ने भी अब ये कंफर्म कर दिया कि ये टीम भी दो इंडियन प्लेयर को, दो ओवरसीज प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी, जहां पर इंडियन प्लेयर में ऋषभ पंत को कंफर्म रूप से ये टीम रिटेन करेगी, जबकि दूसरे नंबर पर अब शिखर धवन या फिर पृथ्वी शो में से अब किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी। ओवरसीज प्लेयर के रूप में खगिसो रबड़ और एंड्रिच नोकिया को ये टीम रिटेन करेगी। कुल मिलाकर इस टीम ने कंफर्म कर दिया कि सुरेश अय्यर के साथ अब शायद ये टीम कंटिन्यू ना रहे, इसी वजह से अब इन प्लेयर्स को ये टीम रिटेन करेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर केकेआर की टीम की, तो कोलकाता की टीम ने भी कंफर्म कर दिया कि ये टीम भी दो इंडियन प्लेयर्स को और दो ओवरसीज प्लेयर्स को रिटेन करेगी, जहां पर इंडियन प्लेयर्स के विकल्पों के रूप में ये टीम वेंकटेश अय्यर को इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती को अब रिटेन करेगी, यानी दिनेश कार्तिक जैसे बड़े प्लेयर के साथ अब ये टीम ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसके साथ ही ओवरसीज प्लेयर्स के रूप में ये टीम सुनील नारायण को इसके साथ ही आंद्रे रसल को अब रिटेन करेगी। कुल मिलाकर दो विदेशी विकल्प आ जाने के कारण अब आंद्रे रसल को भी ये टीम रिटेन करेगी, अदरवाइज शायद ये टीम केवल सुनील नारायण को रिटेन करते, लेकिन अब दो विदेशी प्लेयर्स के विकल्प आ जाने के कारण सुनील नारायण आंद्रसल को रिटेन करेगी, जबकि इंडियन विकल्पों में अब वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती इस टीम की तरफ से रिटेन होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल के सेकंड लेग में मैंने एमपीएल पर फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने 20 फैंटेसी टीम्स बनाकर मैंने 6 लाख रुपए जीते थे, और अब वर्ल्ड कप में एमपीएल पर हर एक मुकाबले में अब 20 टीमें बनाकर लाखों रुपए जीतूंगा। आज के मुकाबले की मैंने 19 टीमें बना दी, 20वीं टीम आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, एमपीएल पर अब यहां पर इंडियन मैच के दौरान आप 2 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो, और आप यहां पर 35 रुपए डिपॉजिट करके आप 1000 रुपए का यहां पर कैशबैक प्राप्त कर सकते हो, और यहां पर आप फ्री में टीम बनाकर भी लाखों रुपए जीत सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर विनर्स के भी नाम देख पा रहे होंगे, तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एमपीएल डाउनलोड करके आप भी अपनी विनिंग शुरू कर दे, ताकि आपका भी यहाँ पर विनर की लिस्ट में नाम आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की टीम ने तो कंफर्म कर दिया कि ये टीम केवल एक ही विदेशी प्लेयर को रिटेन करेगी, जबकि तीन इंडियन प्लेयर्स को अब ये टीम रिटेन करेगी। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को, इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह को और हार्दिक पांड्या, ईशान किशन में से ये टीम किसी एक को रिटेन करेगी, और विदेशी प्लेयर के रूप में कायरन पोलार्ड को अब ये टीम रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर इन चार प्लेयर्स को अब एमआई की टीम मेगा ऑप्शन से पहले अब रिटेन करेगी। खुद मैनेजमेंट ने इस बात पर मोहर लगा दी है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिस टीम ने अब विदेशी प्लेयर को रिटेन करने से मना कर दिया, जहां पर इस टीम के विदेशी प्लेयर्स का इस आईपीएल सीजन में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा। अगर हम बात करते हैं क्रिस गेल की, बात करते हैं निकोलस पुरन की, किसी भी प्लेयर की अगर हम बात करें तो सभी प्लेयर का काफी खराब प्रदर्शन था। इसी वजह से अगर केएल राहुल इस टीम के साथ कंटिन्यू रहने का अगर मन बनाते हैं, तो शायद केएल राहुल को ये टीम रिटेन करेगी। इसके साथ ही मयंक अग्रवाल को
और मोहम्मद शमी को ये टीम रिटेन करेगी। और अगर केएल राहुल इस टीम की तरफ से रिटेन होना नहीं चाहते हैं, यानी इस टीम को छोड़ना चाहते हैं, तो केएल राहुल को ये टीम रिटेन नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर अगर केएल राहुल इस टीम के साथ कंटिन्यू रहते हैं तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, इसके साथ ही मोहम्मद शमी को अब ये टीम रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान की टीम ने भी अब ये कन्फर्म कर दिया कि ये टीम भी दो इंडियन प्लेयर को, दो विदेशी प्लेयर्स को अब अपनी फ्रेंचाइजी के साथ कंटिन्यू रखेगी। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन विकल्पों की, तो कप्तान संजू सैमसन को, इसके साथ ही चेतन सकारिया को आज की तारीख में इस मैनेजमेंट ने कन्फर्म किया कि ये टीम रिटेन करेगी ओवरसीज प्लेयर्स के रूप में। अब यहाँ पर जॉस बटलर, बेन स्टोक्स के साथ ये टीम कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसी वजह से ये टीम जोफ्रा आर्चर को और मुस्तफिजुर रहमान को अब मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान की टीम ने तो कन्फर्म कर दिया कि ये टीम इन प्लेयर्स को रिटेन करेगी, इन प्लेयर्स के साथ अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम के लिए यहाँ पर दो विदेशी, दो इंडियन प्लेयर्स का यहाँ पर विकल्प खुलने के बाद इस टीम को यहाँ पर सबसे अधिक फायदा हुआ, क्योंकि केवल एक विदेशी प्लेयर रिटेन का विकल्प होने पर इस टीम को सबसे अधिक नुकसान होने वाला था। जहाँ पर इस टीम ने भी कन्फर्म कर दिया है कि ये टीम भी दो इंडियन प्लेयर को, दो विदेशी प्लेयर को अब रिटेन करेगी। जहाँ पर इंडियन विकल्पों में कप्तान विराट कोहली को, इसके साथ ही चहल और यहाँ पर पडिकल में से किसी एक को रिटेन करेगी विदेशी प्लेयर के रूप में। ये टीम एबी डिविलियर्स को और ग्लेन मैक्सवेल को अब रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर ये चार प्लेयर्स आरसीबी के मैनेजमेंट रिटेन करेगी। अब बात करते हैं हैदराबाद की मैनेजमेंट की, तो हैदराबाद की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो कि दो विदेशी प्लेयर को अब रिटेन करेगी, लेकिन सबसे कम इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करेगी। जहाँ पर विदेशी विकल्पों में ये टीम कप्तान विलियमसन को, इसके साथ ही यहाँ पर राशिद खान को अब रिटेन करेगी, जबकि इंडियन विकल्पों में केवल उमरान मलिक को ये टीम रिटेन करेगी। कुल मिलाकर काफी खराब इंडियन प्लेयर्स का यहाँ पर प्रदर्शन होने के कारण अब ये टीम भी केवल तीन ही प्लेयर्स को रिटेन करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर रिटेंशन पॉलिसी में कौन सी टीम ने आखिर सबसे बढ़िया फैसला लिया, आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को आखिर रिटेन करना चाहिए, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपके लिए एमपीएल पर मैंने अगले मैच में एक बहुत बड़ा गिव अवे रखा है, तो अगर आपने अभी तक एमपीएल डाउनलोड करके टीम नहीं बनाई तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप एमपीएल डाउनलोड करके आप आज के मुकाबले की टीम बना ले, इसके साथ ही अपनी विनिंग शुरू कर दे। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।